चालू करके भाग कहाँ जाएंगे रे। उपसा संयोजक यौगिक दिखाई देता है ना, उप उपसहसंयोजक यौगिक, उपसहसंयोजक यौगिक, उप सहसंयोजक यौगिक इंग्लिश में को ऑर्डिनेट कंपाउंड, कोऑर्डिनेट कंपाउंड क्या होता है, लिखो 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 कि पहले समझाइए दें फिर लिखा दें। सुनाई दे रहा है ना, देखो ई दिखाई देना चाहिए जो लिखल है, लाइटवा थोड़ा सा फोकस नहीं कर पाता है, ऐसे लाइटवा कम है ना तो पूरा गाढ़ा गाढ़ा दिखाई देता है, एकदम डीप डीप दिखाई देता है। अब हमारा चेहरा भले अच्छा नहीं दिखाई दे, ई अच्छा से दिखाई देना चाहिए जो लिखल है, बोर्ड भले सफ़ेद सफ़ेद नहीं दिखाई दे जो लिखल है वो दिखाई देना चाहिए, ज़्यादा दिखाई दे रहा है, अब पूरा डार्क दिखाई देता होगा और अच्छा दिखाई देता होगा, डार्क मैंने देखो लाइटवा ऑन करेंगे तो कैसा दिखाई देगा, बहुत बढ़िया लाइटवा ठीक है, एक था ये बोला ठीक है। उपसह संयोजक यौगिक लिखो, वैसा यौगिक, वैसा यौगिक, वैसा यौगिक, वैसा यौगिक, वैसा यौगिक, अब 8:30 बजे आप कितना देर इसे खड़ा रहेगा, वैसा यौगिक 8:30 बजे आप क्या घूम फिर क्या 8:30 बजे आप, वैसा यौगिक, वैसा यौगिक जिसमें दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन, जिसमें दोनों इलेक्ट्रॉन वैसा यौगिक जिसमें दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक परमाणु के द्वारा डोनेट किया जाता है या दान किया जाता है, डोनेट किया जाता है, इस प्रकार से बनने वाले यौगिक को उपसहसंयोजक यौगिक कहते हैं, इस प्रकार से बनने वाले यौगिक को उपसहसंयोजक यौगिक कहते हैं, इस प्रकार से बनने वाले यौगिक को उप सहसंयोजक यौगिक कहते हैं। समझ में नहीं आया कुछ, अब समझाते हैं, देखो यहाँ देखिए O2 तो नहीं सौ O2 तुम लोग समझते हो, जैसे एक ऑक्सीजन होता है, ये ऑक्सीजन क्या है एटम, ऑक्सीजन क्या है परमाणु, ऑक्सीजन परमाणु है ऑक्सीजन, लेकिन अगर O2 लिख दिए तो ये क्या है अणु है, ऑक्सीजन परमाणु है और O2 क्या है O2, एगो O3 भी होता है O3, ये भी क्या है अणु है, O3 का अपना नाम है, O3 को हम लोग बोलते हैं ओजोन, O3 को क्या बोलते हैं ओजोन, O3 क्या है ओजोन, O3 ओजोन का सूत्र बोलो, O3 ओजोन का मॉलिक्यूलर फार्मूला बोलो, O3 ओजोन कैसे लिखा आता है O3, O3 ओजोन कैसे लिखा आता है, कोई बात नहीं O3 कल आना। उसके बाद होता है वो नाइट्रो NO2, ये क्या है नाइट्रो, ये क्या है नाइट्रो, नाइट्रो ये क्या है ओजोन, ये ओजोन है, ये क्या है ये रटवा कर रहा, अरे ये नहीं रटना है, अरे रटना तो कुछ भी नहीं, तुमको समझना है ओजोन में, देखो समझना है क्या समझना है, जो अब देखिए समझना कौन चीज है, अच्छा कौन कौन यौगिक बताएं मालूम है ना,
आयनिक यौगिक किसे कहते हैं, एक बार रिपीट कर ले। वैसा यौगिक जो आयन के मिलने से बनता है, वैसा यौगिक जो आयन के मिलने से बनता है उसे आयनिक यौगिक कहते हैं। वैसा यौगिक जो आयन के मिलने से बनता है उसे आयनिक यौगिक में इलेक्ट्रॉनों का, आयनिक यौगिक में इलेक्ट्रॉनों का, वैसा यौगिक जो आयन के मिलने से बनता है उसे आयनिक यौगिक कहते हैं। आयनिक यौगिक में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है, ठीक है। आयन किसे कहते हैं, जब किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या दोनों आपस में बराबर नहीं होती है तो उसे आयन कहते हैं। अगर किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या आपस में बराबर नहीं होती है तो उसे आयन कहते हैं। आयन कहते हैं अगर किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या, गजब गजब बोलते हम बोलते हैं ना, अगर किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या आपस में बराबर नहीं तो पीछे से बोलते आयन कहते हैं। पूरे बोलो रे, पूरे शुरू से बोलो, शुरू से कि अगर किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या आपस में बराबर नहीं होती है तब उसे आयन कहते हैं। आयन दो तरह के होता है, एगो धन आयन और एगो धन आयन किसे कहते हैं। विषाणु तो ये खाली करते रहता है। अगर किसी परमाणु में प्रोटॉन की संख्या ज़्यादा हो जाए इलेक्ट्रॉन की संख्या एक अजीबे करते रहता है। धन आयन किसे कहते हैं, बराबर लो तो रे, बराबर नहीं हो, प्रोटॉन की संख्या क्या हो ज़्यादा हो प्रोटॉन की संख्या तो धन आयन, और अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा हो गया तो बोलता है। समझा तो ठीक, नहीं समझा तो भी ठीक, की फर्क पड़ता है। अरे रे बोलो बोलो बोलो, मुंह खाली नहीं चलाना। अगर किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा हो गया तो ऋण आयन, अगर प्रोटॉन की संख्या ज्यादा हो गया तो धन आयन। उसके बाद आता है सहसंयोजक यौगिक। तो वैसा यौगिक जो परमाणुओं से मिलकर बनता है, या फिर कहो कि सहसंयोजक यौगिक में दो परमाणुओं के बीच में इलेक्ट्रॉनों की, वैसा यौगिक जिसमें दो परमाणुओं के बीच में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है उसे सहसंयोजक यौगिक कहते हैं। सहसंयोजक यौगिक तीन तरह के था, ध्रुवीय सहसंयोजक यौगिक, अध्रुवीय सहसंयोजक यौगिक और हाइड्रोजन बंध सहसंयोजक यौगिक। अध्रुवीय हम बताए थे कि अगर वैसा सहसंयोजक यौगिक जिसमें दो समान परमाणुओं के बीच में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है, अगर दो समान परमाणुओं के बीच में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होगी तो उसको बोलेंगे अध्रुवीय, और अगर असमान परमाणुओं के बीच में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होगी तो उसे बोलेंगे ध्रुवीय। अब ध्रुवीय सहसंयोजक यौगिक किसे कहते हैं बोलो, सभी बोलो, कोई जरूरी है सभी बोलो। अरे सभी माने वैसा सहसंयोजक यौगिक जिसमें दो असमान परमाणुओं के बीच में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है उसे ध्रुवीय सहसंयोजक यौगिक कहते हैं, और अगर दो समान परमाणुओं के बीच में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होगी तो उसे अध्रुवीय सहसंयोजक यौगिक कहते हैं। हाइड्रोजन बंध यौगिक किसे कहते हैं, हाइड्रोजन बंध, अरे चलो एकागो के नहीं मालूम है उसको, बाकी सबके तो मालूम होगा ना। अगर हाइड्रोजन फ्लोरीन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन इन तीनों में से किसी के साथ भी बॉन्ड बनाता है तो हाइड्रोजन पे डेल्टा प्लस और ऑक्सीजन या फ्लोरीन या नाइट्रोजन पे डेल्टा माइनस आ जाता है, और एक मॉलिक्यूल्स का हाइड्रोजन दूसरे मॉलिक्यूल्स के फ्लोरीन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच मतलब एक बॉन्ड बना लेता है उसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। कोई ज़रूरी नहीं है कि एक मॉलिक्यूल सा दूसरा मॉलिक्यूल, ये तो हो गया इंटर मॉलिक्यूलर, कभी कभी इंट्रा मॉलिक्यूलर भी होता है। तो हाइड्रोजन बंध दो तरह के हो गया, इंट्रा मॉलिक्यूलर एगो, इंट्रा मॉलिक्यूलर मैंने समझते हैं जब एक ही मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनता है, और इंटर मॉलिक्यूलर मतलब जब दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स, तो ये सब बता दिए थे रिविजन कर लें। अब आ रहे हैं जरा ऑक्सीजन पे, देखो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास कै गो इलेक्ट्रॉन है, छः गो होता है, छः गो है, हुआ क्या ने कि इन्हें एगो ऑक्सीजन आया, इसके पास कै गो है, छः गो, ये दोनों आपस में इसे करके शेयर कर लिया, हाँ बाउंड बना लिया, ठीक है ये बाउंड बना लिया। अब देखो जब बाउंड बना, इन्हें जब बाउंड बना कि कौन सा बाउंड है, सहसंयोजक बंध है,
चलो ये डबल बाउंड है ना, और डबल बाउंड के मतलब है कि इसके पास का इलेक्ट्रॉन गिनो, दो दो चार, चार गो तो एकर भीतर में आ, चार गो अंगना में, तो आठ गो हो गया। इसके पास बोलते हैं कई गो भाई, चार गो इसके भीतर में आ, चार गो अंगना में, तो दोनों का ऑक्टेट हो गया कंप्लीट। लेकिन ये क्या है, ओ टू, एगो बगल में और आ गया ऑक्सीजन, इसके पास कई गो है, इसके पास छः गो ने। अभी कहता है कि ई कहता है कि जे तो भीतरा में दो गो है ना, वो दोनों बम निकालो रख अंगनवा में, ये दोनों जे इलेक्ट्रॉन है या बम है जो भी बोलो, ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसका है, ऑक्सीजन फर्स्ट, ऑक्सीजन सेकेंड, ऑक्सीजन थर्ड, किसका है, सेकेंड का। कहता बीच में रख, और अब कोची बोलेगा ना कुछ देर के बाद, अगर कोई देखेगा तो यही बोलेगा कि एक इलेक्ट्रॉन तीसरा ऑक्सीजन दिया और ये वाला इलेक्ट्रॉन दूसरा दिया। लेकिन सच्चाई तो ये है ना कि दोनों दोनों इलेक्ट्रॉन कौन दिया है, दूसरा, उससे दूसरा ऑक्सीजन को कोनो नुकसान नहीं हुआ, लेकिन तीसरा को फायदा हो गया। जरा गिन लो दूसरा ऑक्सीजन के पास कई इलेक्ट्रॉन, दो दो चार, जैसे दो आ दो चार हो गया, आ दो गो बचैले है, छः गो घारा में आ दो गो इन्हें अंगनवा में है, तो इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट, पहले हूँ कंप्लीट था, अब इसको भी फायदा हो गया, गिनो ये छः गो अपन भीतरे में रख ले रह गया आ दो गो, लेकिन ये दोनों इलेक्ट्रॉन कौन दे रहा है, यहाँ पर बोलो इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी हो रहा है कि ट्रांसफर हो रहा है, ट्रांसफर हुआ, वो दे दिया कि ले लो, अगर ट्रांसफर होता तो यहाँ प्लस होता, अरे जो इलेक्ट्रॉन दान देता है उस पर प्लस चार्ज जाता, कहाँ ट्रांसफर हुआ, साझेदारी हुआ, अरे साझेदारी भी नहीं हुआ, इसको बोलते हैं भीख देना, ये दोनों इलेक्ट्रॉन भीख दिया है। जैसे दो आदमी लड़ रहा था, एगो के हाथ में तलवार था, एगो के हाथ में तलवार था, एगो के तलवार टूट गया, तो ले हम तोरा तलवार दे लड़, ये तलवार देता है लड़ता है, तो तोरा तो भीख में तलवार मिला है, अरे वैसनका में है कि मुड़ी कटा के मर जाओ, ओकर तलवार लेके काहे लड़ रहा है, तो वैसा ही है। यहाँ पे दोनों दोनों इलेक्ट्रॉन कौन दिया है, दूसरा ऑक्सीजन, इसको बोलते हैं कि दान दिया है, को ऑर्डिनेट, को ऑर्डिनेट, को ऑर्डिनेट किया, अच्छा भाई ले 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 ले, पहले ले और फिर दोनों आपस में बॉन्ड बनाएंगे, लेकिन ये तो कोऑर्डिनेट है। हालांकि बाद में कोई आके देखता है ना, तो वही उसको समझे में आता, वो कहता हाँ एक इलेक्ट्रॉन इनमें से आया, एक इलेक्ट्रॉन तुरघारा से, ऑक्सीजन के पास छः गो है ये था, छः गो अपन भीतरा में रख लेते, फिर दिया करने से भाई, इसका मतलब ही दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ रहा है, दूसरे ऑक्सीजन से। तो इसको हम लोग सह संयोजक यौगिक भी नहीं बोलते हैं, आयनिक यौगिक भी नहीं बोलते हैं, तो कौची बोलते हैं, उप सह संयोजक यौगिक। इसमें क्या हुआ, अगर हम देखें तो यहाँ पे जो बाउंड का निर्माण हुआ है, वो बाउंड के फॉर्मेशन में जो बाउंड बना, जिस बाउंड का निर्माण हुआ, जिस बाउंड का फॉर्मेशन हुआ, वो बाउंड के बनने में दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही आइटम दिया, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही। इससे सह संयोजक यौगिक में क्या होता है कि दो आइटम, एगो इधर से और एगो, तू अपना इलेक्ट्रॉन रखो, ये अपना इलेक्ट्रॉन रखो, दोनों बीच में रखो, दोनों में क्या हो जाएगा, साझेदारी, बॉन्ड बनेगा। एजा पे कोई किसी को दिया हुआ नहीं, ये भले बोलो कि दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन ये अपना दान दे दिया, तो यही कहलाता है उप सह। एक और देखते हैं, नाइट्रोजन के पास कई इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन के बाह्यतम कक्षा में कई इलेक्ट्रॉन, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब भिखारी, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब भिखारी। वो लाल मफलर वाला बड़ी खुश हो रहा है, हैप्पीनेस फुट फुट के बाहर होकर निकल रहा है एकदम, का है रे, इन्हें ध्यान नहीं है, हे राम, हे प्रभु, ये क्या हो गया, इधर देख, नाइट्रोजन के पास कई इलेक्ट्रॉन था, अब हम ये अपन तकिए कलाम बना देंगे, हे हरिराम, ठीक है। जैसे होता है एगो, खैर छोड़ो सब, एगो हैं ऐसे बता देते हैं, बगले में सुनते रहते हूँ, अगर ऐसे कि तू देखता काहे नहीं रे, अगर ऐसे कि कम्मा काहे नहीं करता है, अगर ऐसे कि तू सही से पढ़ता काहे नहीं, अगर ऐसे कि हम काहे बकवास कर रहे हैं, अगर ऐसे कि यहाँ देखो,
देखो नाइट्रोजन के पास बताएंगे बताएंगे क्या बोलता है यूट्यूब पे नहीं बोलेंगे। नाइट्रोजन के पास बाह्यतम कक्षा में कई इलेक्ट्रॉन था, पांच को, इसको कई इलेक्ट्रॉन और चाहिए, कई गो, तीन गो, कई गो, तीन गो। तो इसके पास रास्ता है कि तीन गो सिंगल सिंगल बॉन्ड बना ले किसके साथ में, हाइड्रोजन से, नहीं नहीं अब देखो ये क्या करेगा, पहले तो ये डबल बॉन्ड बनाएगा किसके साथ में, बना लिया, इसको बनाना कई गो बॉन्ड था, गड़बड़ हो गया, ये जा गड़बड़ आ गया, नाइट्रो मैंने तो नहीं समझते हो, NO2 होता है, अब ये जाए वो और ऑक्सीजन आ गया, अब कैसे बॉन्ड बनाए, कैसे बना, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, इसको तो चाहिए डबल बॉन्ड, इसको चाहिए कैसन बॉन्ड, कैसे बना, ये बड़ी मुश्किल वाला चीज़ है, इसके पास कै गो है, देखो ये कहता है कि हम दुए बॉन्ड बनेवे करेंगे और ये दो बॉन्ड बना नहीं सकता, दो बॉन्ड कैसे बनाएगा, दिमाग पे जोर डालो, अभी तो उतना नहीं जोर डालोगे, दसवां में हो, अगर ये दो बॉन्ड बना लेगा, अगर ये दो बॉन्ड बना लेगा तो उतना तो परिपक्व तुम लोग नहीं हो, मान लो अगर डबल बॉन्ड बना भी लिया, मान लो इसके पास तीन गो अभी बचल है ना, अरे नाइट्रोजन के पास टोटल कै गो होता है, पाँच गो, इन्हें दुए गो बनाया है तो बचल कै गो है, अगर ये डबल बॉन्ड बना भी लेता है इसके साथ में, लो दो इलेक्ट्रॉन इसका, तो इन्हें हो गया क्या इलेक्ट्रॉन, चार, आईने का आई कै गो, ये तो असंभव हो गया, ये क्या हो गया हैं, ये तो नौ इलेक्ट्रॉन हो गया, ए प्रभु ये तो गजब हो गया, ये तो गलती हो गया, ऐसे होना नहीं चाहिए। अरे हम जानते हैं कि किसी भी एटम में, किसी भी एटम के बाह्यतम कक्षा में, या कहो कि वो अपना पूरा क्या करना चाहता, ऑक्टेट, तो ऑक्टेट छोड़ी तो नौ गो हो गया, और नौ गो होता है, नौ गो होता है, लेकिन न्यूजीलैंड के बाद, नाइट्रोजन के बाद कौन है, फास्फोरस, आर्सेनिक, इन सब में नौ गो क्या 18 गो होता है, कभी कभी तो 20-20 गो होता है, मतलब जा सकता है 18 गो, यहाँ नहीं जाएगा, ये तो असंभव हो गया, ये क्या हो गया, तो गड़बड़ हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो क्या करें भाई, ऑक्सीजन के पास जैसे 6 गो है वैसे रहे दो, इसके पास 2 गो है ना, ये अपना दोनों इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में दे देता है, मतलब समझने वाली बात है, एक इलेक्ट्रॉन अपने पास रखा और एक गो दे दिया किसको, ऑक्सीजन को, कहता है ले बॉन्ड बना, बॉन्ड बना, इससे किसी को फायदा उदा हुआ नहीं, नुकसान होता है, इस पर माइनस चार्ज आता है, यहाँ ध्यान से देखो, नाइट्रोजन के पास क्या इलेक्ट्रॉन, दो दो चार आ एक पाँच आ पाँच आ दो सातें को, इसका तो ऑक्टेट पूरा भी नहीं हुआ, तो ऐसा सिचुएशन में नाइट्रोजन को कहीं से एक्स्ट्रा चार्ज दिया जाता है, चार्ज मैंने समझ रहे हैं, माइनस, माइनस मैंने क्या इलेक्ट्रॉन, अब देखो चार गो एन ए एक पाँच आ दो सात आ एक कई हो गया, ई हो गया, तो एन ओ टू लिखल जाता है और इसके ऊपर ऐसे लिखल जाता है माइनस, फिर से समझो, नाइट्रोजन के पास कई इलेक्ट्रॉन था बाह्यतम कक्षा में, वो पांच बॉन्ड बना सकता है, पांच बॉन्ड, हम मुड़िया हिलाता है, पांच बॉन्ड बनाएगा रे, वो तीन गो ने बनाएगा, नाइट्रोजन के पास पांच इलेक्ट्रॉन तो झूठे मूठे, पांच कौवा उड़े, मैना उड़े, हटिया उड़े, मास्टर साहब उड़े, सभी उड़े, गजब है, पाँच गो बनाएगा, हाँ पाँच गो बनाएगा, वो तीन बॉन्ड बनाता है, नाइट्रोजन कई बॉन्ड बनाएगा, तीन बॉन्ड, बड़ी खुश है वो तीन गो सामने, इन्हें देख नहीं रहा वो नौ बोतर गो नौमा वाला, नाइट्रोजन कई बॉन्ड बनाता है, तीन गो, तीन बॉन्ड बनाने के उसके पास तीन रास्ता है, चाहे तो सिंगल सिंगल बॉन्ड बना ले, चाहे तो एक बार ट्रिपल बॉन्ड बना ले, चाहे तो डबल सिंगल बना ले, उसके पास तीन रास्ता है, तीन बॉन्ड कैसे हूँ बनाना है, सिंगल 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 या एक बार ट्रिपल बॉन्ड या फिर इन्हें डबल इन्हें सिंगल, उसके पास कई रास्ता है, यहाँ कौची किया, पहले ऑक्सीजन से कई बॉन्ड बनाया, डबल बॉन्ड, देखो इस ऑक्सीजन को कोई फायदा हुआ कि नुकसान हुआ, कोई नुकसान नहीं, दो दो चार अचारे ने आठ, इसका तो ऑक्टेट पूरे है, इस ऑक्सीजन को इसको भी फायदा, ये छह को तो अपन भीतर में रख लेता, ये एक भी इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं किया है बॉन्ड फॉर्मेशन में, यहाँ दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन किसका है, दोनों दोनों कौन दान दिया है, इसीलिए तो हम इसको क्या बोल रहे हैं, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही आइटम दान कर रहा हो, कौन सा आइटम है, इसलिए इसको क्या बोला जा रहा है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड या कोऑर्डिनेट बॉन्ड, उप
सह संयोजक नहीं है, लेकिन देखे में लगता है ना कि एक इलेक्ट्रॉन कौन दिया, ऑक्सीजन आई को कौन दिया, जबकि ऐसा नहीं है, दो इलेक्ट्रॉन कौन दिया है, तो उप सह संयोजक है। लेकिन ऐसा होने पे तो ऑक्सीजन कंप्लीट हो गया, छः गो भितरा में या दो गो अंगनवा में, आठ ऑक्सीजन कंप्लीट, बेचारा नाइट्रोजन बच गया। देखो ऐसा कई इलेक्ट्रॉन, एक दो तीन चार पाँच, पाँच दो सात, एरा होना चाहिए कई गो, तो कहीं से एक्स्ट्रा लाओ चार्ज, इसको दिया जाता है माइनस। माइनस माने क्या, हमेशा बोलते हैं माइनस माने कौन से चार्ज, इलेक्ट्रॉन माने माइनस, और अगर इलेक्ट्रॉन किसी से कम कर दिए मतलब उसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गया तो, और इलेक्ट्रॉन कम हो गया तो, जब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गया तभी माइनस है। अब बोलो सात को तो है, था एक एक्स्ट्रा आ गया, यानी कि अब नाइट्रोजन के ऑक्टेट कंप्लीट है। तो NO2 में कैसा बाउंड होता है, आयनिक बाउंड कि सहसंयोजक बाउंड, मतलब आयनिक बाउंड कि कोवेलेंट बाउंड, ना तो आयनिक बाउंड ना ही कोवेलेंट बाउंड, इसमें कौन सा बाउंड है, कोऑर्डिनेट बाउंड, कौन सा बाउंड है, ओजोन है, O3 को क्या बोलते हैं हम लोग, O3 में कौन सा बाउंड होता है, आयनिक बाउंड, कोवेलेंट बाउंड या कोऑर्डिनेट बाउंड, मतलब हिंदी में क्या बोलेंगे उसको, उपसहसंयोजक बाउंड। क्लियर हो गया, तो लिख लो एक बार फिर से बोल देते हैं कि उपसहसंयोजक यौगिक किसे कहते हैं। तो आप कह सकते हैं कि वैसा यौगिक, फिर से रिपीट कर देते हैं, दोबारा लिख लेना, अच्छा से लिख लेना, वैसा यौगिक जिसमें बाउंड के निर्माण में या बाउंड बनाने में, वैसा यौगिक जिसमें बाउंड के निर्माण में, बाउंड बने हिंदी में इसको बोलते हैं बंध, वैसा यौगिक जिसमें बंध के निर्माण में या बंध बनाने में दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक ही परमाणु के द्वारा दिया जाता है या एक ही परमाणु द्वारा डोनेट किया जाता है। फिर से बोले, वैसा यौगिक जिसमें बॉन्ड के निर्माण में दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक ही परमाणु के द्वारा डोनेट किया जाता है या एक ही परमाणु के द्वारा दिया जाता है, वैसे यौगिक को उपसहसंयोजक यौगिक कहते हैं। नहीं लिख पाए, फिर बोलते हैं, वैसा यौगिक जिसमें बॉन्ड फॉर्मेशन में यानी बंध के निर्माण में दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक ही परमाणु के द्वारा दिया जाता है या एक ही परमाणु के द्वारा डोनेट किया जाता है, इस प्रकार से बनने वाले यौगिक को उप सह संयोजक यौगिक कहते हैं। जैसे में सबसे फेमस एग्जांपल ओजोन, दसवां में ओजोन O3 और बोले तो नाइट्रो, ऐसा नेशन ढेरे सारा है, लेकिन वो ढेर सारा पढ़ाएंगे तो सब तो उन्हें ढेर हो जाएगा, तो बस दो को याद रखना है, वो ओजोन और एगो नाइट्रो, हो गया। अब देखो ये छोटे को टॉपिक था, पढ़ा दिए, ख़त्म हो गया, हम नहीं चाहते दूसरा टॉपिक एक में इंक्लूड करें, तो ये जैसे ही वीडियो ख़त्म होगा ना इसके तुरंत बाद हाइड्रोकार्बन वाला वीडियो मिल जाएगा, हाइड्रोकार्बन, तो इसको ख़त्म करते हैं, दूसरा स्टार्ट कर देते हैं। ये कहीं वीडियो में थोड़ा सा थंबनेलवा बनने में अच्छा नहीं लगता।